फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमकुम किचन्स। कुमकुम किचन्स को सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए यह रेड बटन और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दबाइए यह नोटिफिकेशन बेल। यह बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है, साथ साथ पौष्टिक भी होती है। इसे आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए, आज मैं ये आपको अपनी रेसिपी में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पालक 300 ग्राम लिया हुआ है, जिसको मैंने धोकर काट लिया है। पनीर 200 ग्राम लिया है, इसको मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है। प्याज दो बड़े टमाटर, यहाँ पर मैंने 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, 1.25 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा काट लिया है, और हरी मिर्च 3-4, दालचीनी और इलायची ली है, जीरा 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, हींग, फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी चीनी, बटर और तेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया है। इस पर एक पैन को रख के मैंने पानी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। जब पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसे गैस से उतार कर एक तरफ रख देंगे। अब हम फिर से गैस ऑन करते हैं। इसमें मैंने एक पैन रख दिया है। बटर को डालकर मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम पनीर के टुकड़ों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप पनीर को बिना तले भी डाल सकते हैं, पर इसको तल लेने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इन टुकड़ों को, पनीर के टुकड़ों को हम जो पानी हमने उबाल कर रखा था उस पर डाल देंगे। नमक वाले पानी में इसे हम 20 मिनट तक रहने देंगे, जिससे कि इसका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और ये मुलायम भी हो जाएगा। अब हम गैस को फिर से ऑन करते हैं। इसमें मैंने एक कढ़ाई रख ली है, तेल डाल दिया है। तेल आप अपने आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। दालचीनी के टुकड़े और इलायची मैं इसमें डाल दूँगी। जीरा डाल देते हैं। अब इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल दिया है मैंने। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें अब प्याज डाल देंगे। प्याज हमारा भुन चुका है। इसमें मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिर्च आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हम टमाटर के टुकड़ों को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने बड़े पके हुए टमाटर इस्तेमाल किए हैं। ज़्यादा खट्टे टमाटर आप इसमें इस्तेमाल ना करें। अब इसको ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुका है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। आप चीनी की जगह टमाटर सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक को ग्रेवी के साथ पकाने से उसका स्वाद बहुत बेहतर होता है, साथ ही साथ समय भी कम लगता है। इसे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। पालक को बहुत देर तक नहीं पकाना है, इसे हम 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे। इसे ढककर पका लेते हैं। पालक हमारी लगभग पक चुकी है। इसे थोड़ा देर गैस को बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। पालक ठंडी हो चुकी है। इसे अब हम एक जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। वैसे पालक में बहुत पानी होता है, यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप थोड़ा पानी डालकर पीस सकते हैं।
देखिए पालक को हमने अच्छे से पीस लिया है। गैस को ऑन करके इस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसे बटर डाल दूंगी। बटर को मेल्ट होने देते हैं। आप बटर की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने अब हींग डाल दिया है, 1/4 चम्मच हींग मैंने यहाँ डाली हुई है। अब इसमें हम पालक की ग्रेवी जो हमने बनाई थी, पालक की प्यूरी, वो डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी को मसलकर हाथों से इस तरीके से इसमें डाल देंगे। पालक को अधिक देर तक नहीं पकाना है। इससे मैंने 1 चम्मच क्रीम डाल दी है। आप क्रीम की जगह चाहें तो 1 कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नमक डाल दिया है मैंने। पालक की हमारी बिल्कुल तैयार है। पालक हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पनीर के जो टुकड़े हमने रखे थे पानी में डुबोकर, उसे निकाल कर डाल देंगे। इसे मिक्स करके लगभग 2 मिनट और पकने देंगे। हमारा पालक पनीर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आपको यदि मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू।